पुतला है जो कि ब्राउन कलर का हो गया है एक तरफ। तो गुड़िया जी यहाँ देख सकते हैं, जैसे गुड़ है इसे मिठा भी बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बहुत ज्यादा थैंक यू, जो कि दोस्तों विराट का जन्मदिन वाले वीडियो पे आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए, यहाँ विराट को बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिए, तो थैंक यू आप सभी को। और दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाले हूँ। क्या रेसिपी? गुलगुला और चना की सब्जी। हाँ, गुलगुले और चना की सब्जी। तो दोस्तों आप लोग इस ब्लॉग में कंटिन्यू आप लोग बने रहे। चना की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं चना को भिंगो दिए हैं और फूल गए वाला मटर थोड़ा सा डाल दिए। हाँ, जो दोस्तों लोकल जो कि गांव में मिलते हैं वो वाला। भी दोस्तों हम लोग बनाएंगे गुलगुला और चने की सब्जी। दोस्तों अभी फटाफट से जो कि सब्जी यहाँ पे बना लेंगे चने की, और दोस्तों सान लेंगे बढ़िया से मिक्स करके, और उसके बाद दोस्तों गुलगुले बनाए जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों कैसे बनते हैं। सब्जी भी बन जाएंगे और गुलगुला के आटा भी बना जाएंगे। बहुत ही अच्छा, इसी में दोस्तों बनाने हैं गुलगुला और इसी में दोस्तों सब्जी। तो पहले सब्जी बना लेंगे। तो प्याज दोस्तों पहले से ही छील रखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे गुलकी, जीरा और काली मिर्च जिसे बोलते हैं। हाँ, सारा दोस्तों सारा का पेस्ट बना लिए हैं। हाँ, तो अभी इसे काटते हैं, काट करके प्याज को काट काट करके गुड़िया जी इसी में रख दे रहे हैं। चलिए फटाफट से प्याज पहले काट लेते हैं। हम चले गए थे रिफाइन लाने के लिए, तब तक दोस्तों गुड़िया जी मसाला उसाला जो कि डाल करके इसे भून रहे हैं। हाँ, सब्जी को। और ये दोस्तों में डाले हैं प्याज, चरपत्ता। हाँ, उसके बाद भून कर डाले सारे मसाले हैं जो कि डाले। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह का सब्जी अभी दिख रहा है, और इसे और थोड़ा देर भूनेंगे। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, हमारे YouTube फैमिली को कैसा लग रहा है वो तो वो बताएंगे ना। और इसमें थोड़ा चना हम मिक्सर जार में पीस लिए थे, उसको डाल देते हैं ताकि मेरा जो ग्रेवी है वो गाढ़ा बने। हाँ, तो गाढ़ा बनाने के लिए गुड़िया जी है जो कि डाल दिए हैं चना पीस करके, ताकि गाढ़ा बन जाए, है ना। हाँ। ये देखिए दोस्तों इस तरह का सब्जी जो कि फ्राई हो रहे हैं, फिर पत्ता डालने से टेस्ट बढ़ जाता है। तो सब्जी जो कि पूरी तरह से भुना गए हैं, और अभी इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे गुड़िया जी, उसके बाद पानी डाल के ढक देंगे। ढक देंगे, ढकने के बाद हम आटा गूंथ लेंगे जल्द जल्द। हाँ, और सब्जी भी हो जाएगी, उधर आटा भी गूंथा जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों गुलगुले बनाए जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग कभी खाए हैं कि नहीं इस तरह से, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। पर सब्जी है जो कि सीज रहे हैं, और इधर गुड़िया जो कि आटा गूंथ दे रहे हैं। और देख सकते हैं दोस्तों गुलगुला बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गुड़ है, इसे मिठा भी बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आटा, और इसे पानी में घोल लेते हैं, और इसी पानी से हम आटा गूंथते हैं। हाँ, और इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देते हैं। ये दोस्तों सोडा, ताकि मतलब फूले गुलगुला और मुलायम हो जाए, इसलिए दोस्तों बेकिंग सोडा डाले जाते हैं। हल्के मात्रा में डालिएगा, ज्यादा में नहीं डाले जाते हैं बेकिंग सोडा। चलिए जो कि मिठे को ना घोल दे रहे हैं, इसे गुड़ भी बोलते हैं। और इसी पानी से दोस्तों इस आटे को गूंथेंगे और गुलगुला बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग कभी बनाए ही नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और नहीं तो दोस्तों आप लोग इस पूरा रेसिपी को देख लीजिए किस तरह से गुड़िया जी बनाते हैं। जो नहीं बनाए होंगे वो जरूर एक बार ट्राई करिए, ट्राई कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आप लोग जान जाइएगा कि कैसे बनाते हैं। दोस्तों पूरी तरह से पानी में था इसे घोल दिए मिठे को, अभी इसी पानी से दोस्तों देखिए किस तरह से सानते हैं, यानी कि गूंथते हैं। और यहाँ पे दोस्तों पतला किया जाएंगे, अभी तो ये मोटा है ना, उसके बाद पतले किए जाएंगे। बहुत मीठा हो जाएगा लगता है। तो दोस्तों अभी आटा है जो कि पूरी अच्छी तरह से गुड़िया जी गूंथ दिए हैं गुलगुला बनाने के लिए, और सब्जी भी दोस्तों करीब करीब होंगे, उघार के दिखाई था हो गए हैं, सब्जी भी होले होंगे, थोड़ा और सूखेंगे पानी, है ना। देखिए तो चला करके थोड़ा और दोस्तों सब्जी होंगे, ये देख सकते हैं थोड़ा और होंगे, हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह का जो कि है आटा को गूंथ देते हैं, पेस्ट बना दिए, पेस्ट बना दिए हैं एक तरह से। और इसी को दोस्तों रिफाइन तेल में जो कि छानेंगे, तो गुलगुला हमारा रेडी हो जाएगा और चना की सब्जी। चलिए दोस्तों हमारा सब्जी जो कि पूरी तरह से कम्प्लीट बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं इस तरह का, और स्वादिष्ट मतलब लग रहे हैं देखने में, और मतलब जो कि सुगंध भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो चलिए अभी सब्जी को दोस्तों इसमें रख लेंगे, क्योंकि इसी में दोस्तों गुलगुले बनाएंगे, तो डबल है नहीं कढ़ाई, इसलिए दोस्तों इसी में बनाएंगे। तो चलिए अभी फटाफट से इसी में दोस्तों निकाल लेते हैं सब्जी को।
बहुत ही यम्मी दोस्तों देखने में लग रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे दिख रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिए अभी इसकी गुलगुला बनेगी, धो लीजिए इसे। और दोस्तों अभी दोस्तों इवनिंग का समय हो चुका है, देख सकते हैं सूर्य भगवान जो कि अस्त हो गए हैं। कढ़ाई पे चढ़ा दिए, फ्लेम को थोड़ा तेज कर दीजिए, ज्यादा जल्दी जल्दी बन जाए। इसे सब्जी को साइड में रख दीजिए। कढ़ाई जो कि गर्म हो गई है और हम चिलोही से काट कर रिफाइंड ऑयल डालते हैं, देख लीजिए। और ये हम सरसों तेल की दिखे। और इधर कैसे कीजिए मिलता है वाला? ये वाला आधा कितना लीटर वाला है? आधा लीटर वाला, आधा लीटर 50 रुपया पड़ा है। सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएगा बेस्ट चॉइस जो कि है आप लोग तरफ कैसे पड़ते, बट उतना भी बेस्ट नहीं है। फॉर्चून अच्छा रहता है, फॉर्चून ठीक रहता है। लोकल गांव में दोस्तों इसी तरह का मिलते हैं। अब ऑयल को गर्म होने देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम गुलगुला से डालेंगे। और उधर विराट भी सोकर जाग गया है अभी। और आज ना हम लोग बिछावन है जो कि धो दिए हैं पूरा, दोस्तों बिछावन है जो कि हम लोग धो दिए हैं। हाँ, तो अभी ऐसे सोया हुआ था, पसार दिए हैं तो उठ जाओ। दोस्तों ऑयल है जो कि गर्म हो चुके हैं और अब बारी आती है गुलगुला छानने की। ये देख लीजिए, ज्यादा नहीं हीट हुआ का? हाँ, ज्यादा नहीं हुआ। यूट्यूब फैमिली यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे प्यारे गुलगुले हैं जो कि अभी छना रहे हैं। और देख सकते हैं दोस्तों कैसे एकदम दिख रहे हैं, बहुत ही मस्त गुलगुला है जो कि ब्राउन कलर का हो गया है एक तरफ। तो गुड़िया जी यहाँ देख सकते हैं इसे पलट दे रहे हैं और देखने में दोस्तों बहुत ही मस्त दिख रहे हैं, और गुलजामुन की तरह। और पिछले बार भी दोस्तों हम लोग बनाए थे तो समथिंग कितना दिन हो गया उसे बनाए हुए? चार से पाँच मंथ हो गए हैं। तो दोस्तों बनाए थे यहीं पर, बहुत ही दोस्तों मस्त एकदम मतलब बनते हैं गुलगुला और खाने में दोस्तों स्वादिष्ट लगते हैं पूरी तरह से। अभी निकालते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमारा गुलगुला। बनाए थे तो चना का सब्जी नहीं बनाए थे। हाँ, उस बार दोस्तों गुलगुला बस बनाए थे ओनली, और इस बार दोस्तों चना की सब्जी भी बनाए है, और भी मस्त लगेंगे खाने में क्योंकि ये मीठा है। पहले का मिठाई यही रहता था, पहले का दोस्तों मिठाई है, पुराने जमाने का मिठाई। हमें याद है जब हम अपने घर पे रहते थे तो 1 रुपया के 100 मिलते थे माना का मिठाई। हाँ, सस्ता भी मिल जाते है ना, अभी भी मिलते हैं लखनऊ में आप लोग की तरफ। हाँ, मिल जाते हैं, अब उतना देखने के लिए नहीं मिलता है। हाँ, बहुत कम। फाइनली मेरी यूट्यूब फैमिली अभी पूरी तरह से गुलगुला है जो कि बन चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे अच्छे बने हैं। हाँ, बहुत ही दोस्तों सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन लोग हैं जो कि गुलगुला खाए हैं। खाकर देखिए ना, खा करके देखते हैं। उससे पहले हमारे यूट्यूब फैमिली आप लोग खा लीजिए, और बहुत ही दोस्तों मुझे टेस्टी लगता है, इसलिए दोस्तों हम ज्यादा बनवाते हैं गुड़िया जी से कि मतलब ये बन गया और ये मतलब 2-3 दिन चलेंगे, खराब नहीं होते हैं। तो खा करके देखते हैं दोस्तों, ऐसे तो मेरा फेवरेट है, मतलब बहुत दिन के बाद बनाते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो मीठा हमको बहुत ज्यादा पसंद है, मीठा लग रहा है दोस्तों, मीठा लगा था। और सब्जी में दोस्तों खाने तो और भी बेस्ट लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये रेसिपी आप सभी को अच्छे लगे होंगे, है ना। हम लोग को दोस्तों ये सब बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप लोग दोस्तों चाहेंगे तो दोस्तों घर पे ट्राई कर भी सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं, है ना। ये देखिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये रेसिपी आप सभी को अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और दोस्तों चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों जब भी वीडियो डालोगे तो नोटिफिकेशन आप तक चले। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, छोटा सा वीडियो रेसिपी वाली थी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए